अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि जो पहले के आशिक थे ना, उनको धोखा मिलते थे वो अपना हाथ काट के खून निकालते थे, और अब के जो आशिक है उनको धोखा मिलता है ना तो वाइट सेल निकालते हैं। क्यों भाई? ये है ना कि नुकसान करना होता है अपना आशिकों ने ना। पहले के आशिकों का तरीका कुछ और था, अब के आशिकों का कुछ और है। वैसे तुम्हारा कौन सा तरीका है? बस छोड़ दो मेरे तरीके को। गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो नहीं हो, सालन सर हमेशा काला ही होता है। तेरे को अपनी गाड़ी का सालन सर याद आ गया होगा। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में खोले जाने वाली चीजों में किताब आज भी दूसरे नंबर पर है। अब तू भी यूनिवर्सिटी में थी रानी, पहले नंबर पे क्या खुलता था? तू अपनी किताब पढ़ और लिख, मुझे बीच में इन्वॉल्व नहीं किया कर। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि एक मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा कि गुलजार चांडियो मेरे लिए दुआ करो, मेरी मंगेतर अमेरिका से आ रही है, मेरा नसीब खुल जाए। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, तेरा नसीब खुला हुआ होगा। जो अमेरिका में रह रही है आ रही है, उसका नसीब तो खुला हुआ ही होगा ना। बड़ी एक्सपीरियंस है तुझे। नहीं मतलब पैसे वाली होगी ना, नसीब पैसों से खुलता है, तो उसका खुला हुआ होगा नसीब। बड़ा कमीना है तू। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि जो पहले के आशिक थे वो वफा ढूंढते थे, अब जो अब के आशिक हैं वो जगह ढूंढते हैं। ये कहाँ से लेके आता है तू? ये मैं नहीं लेकर आ रहा, गुलजार चांडी की किताब से आ रही होती है। आजकल की जो नस्ल है ना, जवान नस्ल, उसके लिए बंदा वो ही अच्छा है, सबसे बंदा वो ही अच्छा है। कौन सा? जो जगह दे। ऐसा है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि बाथरूम में मारे जाने वाली चीजों में कॉकरोच आज भी दूसरे नंबर पर है। मारे जाने वाले। मैं सब समझती हूँ। तू सब समझती है? तुझे कसम है, तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इनको बता दे पहले नंबर पे क्या है। अभी तक गुलजार चांडियो नहीं पहुंचा पहले नंबर पे, तू ही पहुंच गई, बड़ी बात है। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि शोहर क्या है, शोहर की पहचान क्या है। शोहर अगर महबूबा आ जाए तो खड़ा हो जाता है, अगर बीवी आ जाए तो खड़ा हुआ भी बैठ जाता है। देखो, अगर मेरी इस बात का यकीन नहीं है तो खालिद बबलू से पूछ ले। अब जैसे तुम आई, खालिद बबलू खड़ा हो गया। बहुत पिटेगा खालिद बबलू भी और साथ में तुम भी।